उज्जैन मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्य। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सबको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आदिकाल से ही भारत का केंद्र माने जाने वाले उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी कुछ बातें। दरअसल दूसरा नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूसर का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आदिकाल से लोगों का मानना है कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात नहीं निकलती, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता है। इस मंदिर से ही प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व के मानक का समय निर्धारण होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां ताजी चिताभस्म से प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। चिताभस्म उनका मुख्य श्रृंगार माना जाता है। एक कथानुसार प्राचीन काल से ही प्रतिदिन महाकाल की आरती ताजी चिताभस्म की राख से की जाती है, मगर एक दिन उज्जैन के श्मशान में कोई शव नहीं जला तो इससे चिंतित पुजारी ने अपने पुत्र की बलि दे दी और चिता की राख से भस्म आरती। इसके बाद महाकाल पुजारी से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग है। यह कहने का अर्थ है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग मान्य शिवलिंग मानी जाती है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री महाकाल।